सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ Redmi 8 एंड Redmi 8 ए डिवाइस के बारे में और इसके MIUI 12.5 सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर एक गुड न्यूज है वो यहाँ पर सामने निकल के आ रही है। और आपको ये जो अपडेट है वो इंडिया में कब तक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सो इसकी कन्फर्म डेट है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो अगर आप लोग एक Redmi 8 एंड Redmi 8 ए डिवाइस के यूजर हैं सो कम्प्लीट इस वीडियो को देखते रहिए, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल होने वाली है। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को यहाँ पर ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज होगा और कोई यहाँ पर जो नई न्यूज सामने निकल के आएगी सो उसके रिगार्डिंग जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगा, सो इसको सब्सक्राइब कर लेना। सो यहाँ पर गाइज मैं आप लोगों से बात करूँ Redmi 8 एंड Redmi 8 ए डिवाइस के बारे में, दोनों डिवाइस लगभग आपको सिमिलर है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ दिन पहले आपको Redmi 8 एंड Redmi 8 ए जो डिवाइस है इसके अंदर आपको 12.0.3.0 का अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिला था और उसके बाद में अभी तक भी कोई भी नए अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज नहीं कराए गए। सो आपको MIUI 12.5 का जो अपडेट है क्या वो नेक्स्ट अपडेट आपको यही देखने को मिलेगा? सो ऐसा नहीं है, बहुत सारे यूजर के मेरे पास यहाँ पर कमेंट आते हैं कि Redmi 8 एंड Redmi 8 ए के बारे में बताओ कि इनके लिए आपको अपडेट है वो यहाँ पर इंडिया में कब तक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो पहले आपको 12.0.4.0 का अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसके बाद में आपको MIUI 12.0.5.0 का अपडेट मिलेगा और उसके बाद में आपको MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो Redmi 8 ड्यूअल जो डिवाइस है इसके लिए ऑलरेडी 12.0.4.0 का जो अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज करा दिया गया है। सो इसलिए मैं आपको Redmi 8 ड्यूअल जो डिवाइस है इसके लिए आपको एक अलग सी वीडियो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ Redmi 8 एंड Redmi 8 ए डिवाइस के बारे में इनके लिए अपडेट है वो यहाँ पर फाइनली कब तक यहाँ पर देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर। सो बहुत सारे यूजर के मेरे पास यहाँ पर कमेंट आते हैं, सो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये जो अपडेट है वो अगस्त के मंथ के अंदर यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। जी हाँ गाइस, अभी जो हाई एंड डिवाइस है जैसे कि Redmi Note 9 सीरीज, Redmi 9 Prime, Poco M2 Pro, Poco M2, Poco M3, Poco M3 Pro, बहुत सारे डिवाइस यहाँ पर बाकी रह गए हैं जिनको आपको MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। सो पहले आपको अपडेट इन डिवाइस के अंदर मिलेगा और जैसे ही सभी डिवाइस के अंदर अपडेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा Redmi 8 ड्यूअल डिवाइस के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा और उसके 5 या 10 दिन बाद में आपको Redmi 8 और Redmi 8 जो डिवाइस है इनके अंदर अपडेट है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो कब तक यहाँ पर देखने को मिल सकता है? सो सितंबर का जो एंड है उसका लास्ट वीक है उसके अंदर आपको ये जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो वहां तक आपको वेट है वो तो यहाँ पर करना पड़ेगा ही, उससे पहले कोई भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी डिवाइस के लिए अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज हो जाए। और अगर गाइज आपको ये कमाल की थीम है वो यहाँ पर पसंद आ रही है सो आप लोगों को इसका नेम देखने को मिलता है सुपर iOS, तो जरूर से यहाँ पर एक बार ट्राई करना। और यहाँ पर गाइज कोई भी यहाँ पर नई न्यूज है, कोई भी नया अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज होगा बहुत ही जल्दी, 12.0.4.0 का जो अपडेट है वो यहाँ पर आने वाला है। आप लोग मान के चल सकते हो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको ये जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो जैसे अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा सबसे पहले आपको वीडियो है वो यहीं पे देखने को मिल जाएगी, सो इसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को यहाँ पर ऑल पे प्रेस कर लेना। जैसे अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज होगा उसकी आपको यहाँ पर न्यूज है स्क्रीनशॉट के साथ में सबसे पहले हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, सो इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आपको कमाल कमाल के वॉलपेपर है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। सो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।